नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी सीएम को लिखी चिट्ठी, ब्रज क्षेत्र के किसानों को राहत देने की मांग। आज महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शेयर मार्केट में पहली बार सेंसेक्स 85,000 के पार पहुंचा। अखिलेश का रिश्ता माफिया से है, अपराधी पर कार्यवाही होती है तो उन्हें दुख होता है, गिरिराज सिंह का बयान। महाराष्ट्र में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे आरटीओ कर्मचारी संघ। ताजमहल में जलाभिषेक और अनुष्ठानों से संबंधित एक मामले पर आज होगी सुनवाई। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। नोएडा एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश को लगी गोली। दिल्ली की एक अदालत यासीन भटकल की हिरासत पैरोल याचिका पर आज करेगी सुनवाई। सीएम सिद्धारमैया एमयूडीए मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट से आज आ सकता है फैसला। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।